जहां आप कुछ भी नहीं कर सकती वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। जी हाँ, कोशिश। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी से जुड़ी हुई एक गुरु और शिष्य की कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहूँगी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन में जो कठिन लक्ष्य हैं उन्हें कैसे पा सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई ट्रिक दीजिए। गुरुजी ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब आज रात को दूंगा। हमेशा शाम के टाइम पे आश्रम से थोड़ी दूर एक नदी थी, वहाँ से शिष्य जल भरकर लाता था। आज जब शाम हुई वो मटका लेकर जल भरने जा रहा था तो गुरुजी ने उसे रोका और बोला, बेटा अभी नहीं जाना है। तो शिष्य रुक गया और जब रात हुई तो गुरुजी ने एक लालटेन अपने शिष्य को देते हुए बोला कि जाओ अब तुम नदी से जल भर कर लाओ। शिष्य थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि इस वक्त इतनी रात को, उस दिन क्योंकि अमावस्या की रात थी तो उसे लगा इतना अंधेरा, मैं कभी अंधेरे में बाहर गया नहीं, उसे बहुत डर लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इतने अंधेरे में अकेले लालटेन के सहारे नदी तक जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, किस बात का डर है? अरे बाहर अंधेरा है लेकिन तुम्हारे पास रोशनी है, इस रोशनी के सहारे जाओ और जल भर कर लाओ। और शिष्य इस बात को सुनकर उस लालटेन के सहारे गया और मटका भरकर लेकर आ गया। और जब वो वापस आया तो उसने गुरुजी से फिर वही सवाल किया कि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि कैसे मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे दिया लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आया, अब मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। और गुरुजी ने कहा कि ये जीवन, ये दुनिया एक अंधेरी नगरी की तरह है, बस एक रोशनी की ज़रूरत होती है और ये रोशनी हर क्षण हमारे आसपास मौजूद होती है। ज़रूरत होती है सिर्फ इस रोशनी को ढूंढने की और वही रोशनी होती है कोशिश। जी हाँ, कोशिश। ये कोशिश ही होती है जो हमें हमेशा हमारे लक्ष्य तक पहुँचाती है। हो सकता है हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार या उससे भी ज़्यादा कोशिश करें और सक्सेस ना हो, लेकिन हम कभी ना कभी ज़रूर सक्सेस होंगे। लेकिन एक डर होता है हमारे अंदर कि अगर हमने कोशिश की और सफल नहीं हुए तो हमारे आसपास के लोग हंसेंगे, ये समाज क्या कहेगा, मैं अपने आप से नज़रें कैसे मिलाऊंगा। इस डर पर काबू पाना है और कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बार कोशिश करने पर भी अगर आप सफल नहीं होते हो तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है आपने जो रास्ता चुना है वो सही ना हो, आप जिस पैटर्न से आगे बढ़ रहे हो वो पैटर्न गलत हो, तो उस पैटर्न को आप चेंज करें और फिर से कोशिश करें। बस जाते जाते एक लाइन और बोलना चाहूँगी, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। धन्यवाद।